नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PST क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में पटना हाई कोर्ट एसिस्टेंट मेंस रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है, आखिर विभाग पटना हाई कोर्ट एसिस्टेंट मेंस का रिजल्ट कब जारी कर रहा है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले। और आपके मन में जितना भी प्रश्न है पटना हाई कोर्ट स्टैंड रिजल्ट के रिगार्डिंग, सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो पटना हाई कोर्ट स्टैंड रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे थे। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा और विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है, किस दिन आपको रिजल्ट जारी किया जा रहा है, तो सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके बता रहे हैं पटना हाई कोर्ट एसिस्टेंट रिजल्ट विभाग कब जारी कर रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी यही अपडेट निकल के आ रही है, आपको भी पता है जो एग्जाम लिया हुआ 2 महीना प्लस हो चुका और अभी तक आपका कॉपी पूरा चेक नहीं हुआ, सोच सकते हैं कितना आलसी वो में हाई कोर्ट, इतना आलसी चल रहा है पटना हाई कोर्ट, सोच सकते हैं अभी तक कॉपी भी चेक नहीं हुआ है। और अभी कब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा इसका कोई अता पता भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन भी देना नहीं चाहता। तो इसके लिए यही है जो जितना सोशल मीडिया पे आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग एकजुट करेंगे और देख लेते हैं जो दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक अगर कोई नोटिस आती है पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो हम इस दिन रिजल्ट जारी करेंगे तो ठीक है, अगर नोटिस आर नहीं आती है तब हम लोग को एक सोशल मीडिया पर कैंपेन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी देख लीजिए, पहले केंद्र सरकार करता था एग्जाम ले लेता था और रिजल्ट 2 साल 3 साल फंसा देता था, और अभी देख लीजिए पटना हाईकोर्ट भी ऐसा ही कर रहा था जो कि कोर्ट का इतना रिजल्ट नहीं फंसता था। 2 महीना प्लस हो चुका है एग्जाम लिया हुआ और अभी तक कॉपी भी चेक नहीं हुआ है, कब कॉपी चेक खत्म होगा, कब रिजल्ट जारी किया जाएगा, स्टूडेंट परेशान हो रहा है। क्योंकि बिहार SSC किया था, 8 साल बाद रिजल्ट दिया था, वही हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अभी देख लीजिए बिहार में सबसे ज़्यादा आयोग फास्ट है तो BPSC है, 2 महीना के अंदर ज्वाइनिंग लेटर तक दे देता है। इसीलिए देख लीजिए उससे सभी को सीखना चाहिए था। और अभी देखिए बिहार में बहुत सारा रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, बिहार LRC का हो गया, उसके बाद CGL 3 का हो गया, ये देख लीजिए पटना हाईकोर्ट एसिस्टेंट मेंस का रिजल्ट हो गया, तो ये सब अभी पेंडिंग चल रहा है। स्टूडेंट परेशान हो रहा है फिर भी विभाग सुन नहीं रहा है, कान पे जो भी नहीं रेग रहा है। एक नोटिस जारी करके अपडेट देना चाहिए, जब आप फॉर्म निकालते हैं जिस समय आवेदन स्टार्ट करते हैं उसी समय रिजल्ट का भी डेट आप घोषित कर देते हैं, जो मेंस का रिजल्ट हम इस दिन देंगे, PT का रिजल्ट हम इस दिन देंगे, इस दिन हम एग्जाम लेंगे, तो उस समय नहीं सिर्फ एग्जाम डेट आपको बताएगा जिस एग्जाम देने इस दिन लेंगे, और उसके बाद आपको मेंस का रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं मिलेगा। काफ़ी दिन हो चुका है, 2 महीना प्लस हो चुका है, हम तो 2 ही महीना बताएं, 2 महीना प्लस हो चुका है एग्जाम लिया हुआ और अभी तक कोई आता पता नहीं है रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कॉपी ही चेक नहीं हो पाया। कॉपी चेक हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा, फिर कटअप के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें अभी लगभग अभी और टाइम आपको लग सकता है, तो हम लोग दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक वेट करेंगे। दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक अगर आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को पटना हाईकोर्ट की तरफ से नहीं आया, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कदम उठाएंगे जाके क्या करना है नहीं करना। यह वीडियो बनाने का मेरा यही रीजन था क्योंकि आप लोग के द्वारा बार बार कॉल मैसेज किया जा रहा था, बार बार मैसेज, और इतना आप लोग हर वीडियो में कमेंट करते थे सर पटना हाईकोर्ट स्टैंड रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट दीजिए, वीडियो बनाइए, इसलिए यह वीडियो बनाकर हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं निकल के आ रहा है, इसीलिए कोई वीडियो बनाकर आपको नहीं देता, अपडेट निकल के आएगा उसके बाद ही कोई वीडियो बनाएगा। तो दोस्तों हम यही कहेंगे अभी जो 1 सप्ताह और वेट कर लीजिए, दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक हम लोग वेट कर लेते हैं, अगर दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक रिजल्ट नहीं आती है तो फिर आगे क्या करना है नहीं करना है इसी चैनल पर मिलेंगे और बताएंगे आपको आगे का मुहिम क्या है, आगे कैसे क्या करना है नहीं करना। तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।